हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आपको प्रभु आशीष दे। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, आपको प्रभु आशीष देगा। चलिए हम आप लोगों के बीच में एक वचन पढ़ना चाहते हैं, और वचन क्या कहता है? संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो भाई साहब, इसमें देखिए जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे प्रियजनों। आप मौत को चुनना चाहते हैं या फिर जिंदगी को? अगर जिंदगी को चुनते हैं तो संकेत वाले फाटक में जाइए, सकरे मार्ग में प्रवेश करिए। और अगर मौत चुनना है, चौड़े फाटक में जाइए, क्योंकि चौड़े फाटक में पाप व्यभिचार है, चोरी है, लोगों का हत्या करते हैं, पाप है भाई साहब। और पाप मत करो, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय कम है, अभी अपने आप को बचा लो। जो गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, व्यभिचार हुए हैं, आप अभी प्रभु के आगे घुटने टेक के पश्चाताप करोगे, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु माफ कर देगा। और भाई साहब, जीवन मेरा परमेश्वर है। संकेत फाटक जीवन है, और जीवन मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवन देने के लिए आया है। प्रियजनों, आप लोग मन फिराओ और परमेश्वर के पीछे हो लो, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं। समय कम है और दिन बुरे हैं मेरे प्रियजनों। आप लोग सुधर जाओ, अभी मन फिरा लो, अभी समय है, लौट आओ, अपने आप को बचा लो अभी, वरना फिर कितनों भी रो और चिल्लाओ, परमेश्वर माफ नहीं करेगा। एक बार अगर आपकी शरीर से आत्मा निकल गई, दोबारा पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे प्रियजनों। अभी मन फिराओ और पश्चाताप करो प्रभु के आगे, परमेश्वर अभी माफ करने वाला मेरा खुदा है, माफ करने वाला मेरा परमेश्वर है। आप लोग नहीं जानते हो कि मेरा परमेश्वर महान है, दयालु है और महान है। मेरा परमेश्वर मौत को जय पा लिया, मौत पर जय पा लिया। मेरा परमेश्वर मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। आप लोग अभी मन फिरा लो, टाइम है, मन फिराओ, टाइम है। परमेश्वर के आगे जितने भी गुनाह हुए, पाप हुए, खुल खुल के बता दो कि परमेश्वर अभी माफ कर देगा। लेकिन जब आपकी शरीर से आत्मा निकल गई, तो कभी माफ करने का अवसर नहीं मिलेगा, पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। अभी समय है, मन फिरा लो, लौट आओ, लौट आओ मेरे प्रियजनों। चलिए हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। जो बीमार हैं, खाट पे पड़े हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाला है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जमीन आसमानी ब्रह्म सारे को पतरस के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु। सच में आप महान हो मेरे पिता, सच में आप जीवित और महान हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, खाट पे पड़े हैं, लंगड़े हैं, लाचार हैं प्रभु, अपनी गरीबी से परेशान है पिता, अपने कर्जे से परेशान है मेरे प्रभु। आज हम उनके लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक जन की बीमारियां जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक जन की बीमारियां जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक जन की बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में, हर एक जन की गरीबी जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु। आपने वचन में कहा है मेरे परमेश्वर, लंगड़े को टांग देने वाला और अंधे को आंख देने वाला, बहरों को सुनाने वाला परमेश्वर है। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु। सच में आप महान हो मेरे पिता, सच में आप महान हो मेरे पिता। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे परमेश्वर।
हर एक जन को पिता, जो अपने गरीबी से परेशान है मेरे पिता, आज उनकी गरीबियाँ दूर हो रही यीशु के नाम में, आज उनकी गरीबियाँ दूर हो रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मेरे परमेश्वर, जिनके आज बच्चे नहीं होते पिता, मेरे प्रभु हम उनके लिए दुआ करते मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर जिनके बच्चे नहीं होते पिता, उनको बच्चे दीजिए पिता, बच्चे की आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे की आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हो मेरे प्रभु, दयालु हो मेरे पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा है जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और जो ढूंढेगा उसे मिलेगा, जो खटखटाए उसके लिए द्वार खोला जाएगा। पिता हम मसीह भाई बहनों के लिए मांगते हैं मेरे पिता, आप उन्हें आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीजस पवित्र आत्मा जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। आप स्वर्ग से देना हाथ बढ़ा के पिता, सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ा के मेरे पिता, हर एक जन को छू लीजिए मेरे पिता, और मेरे परमेश्वर हर एक जन की परेशानियां दूर होने पाए यीशु के नाम में पिता। छोटी सी विनती उद्धार करते जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनिए और कबूल करिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन।